नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में हर दिन 4 लाख के करीब में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 12 राज्यों में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है। 17 राज्यों में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख एक्टिव केस मामले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते रोज की हम बात करें तो कोविड से 920 लोगों की जान चली गई, जबकि इस महामारी के 57,640 नए मामले वहां पर सामने आए। राज्य में अब तक 72,662 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 48,80,542 हो चुकी है। तो वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमित 357 और लोगों की जान चली गई और 31,165 नए मरीज भी उनमें नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,151 हो चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि इसमें सबसे ज्यादा मौतें 46 मौतें कानपुर में हुई हैं। इसके अलावा लखनऊ में 38, चंदौली में 24, लखीमपुर खीरी में 17, गाजियाबाद, भदोही और सोनभद्र में 13-13, झांसी, गोरखपुर में 12-12 और गौतमबुद्ध नगर में 10 मरीजों की जान चली गई। राज्य में इस वक्त 2,62,474 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली की हालत भी लगातार जो गंभीर है, छत्तीसगढ़ की हालत गंभीर है और लगातार कई ऐसे राज्य हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। इसकी दृष्टि से कि देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं, 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एक पैरामीटर जो एनालाइज करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, 5 से 15% 10 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% 3 स्टेट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि 10 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, तमाम तरह की स्थिति के साथ राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल, क्या कुछ आपके इलाके की स्थिति है, क्या वहां पर कोरोना को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है? जी मोहित जी, आपको बता दें बीते 24 घंटों में 112 नए केसेस आए हैं अमेठी जनपद में और इस प्रकार कुल केसों की संख्या बढ़कर 1,243 पहुंच गई है। वहीं एक मौत के साथ मौत का आंकड़ा भी 88 पहुंच गया है इस प्रकार। और यहीं पर एक राहत बड़ी खबर है कि कुल अभी तक जो है 24 घंटों में जो है 184 जो कोरोना के मरीज थे वो ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेठी जनपद में एक रिकवरी की दर भी बढ़ रही है जो कि संक्रमितों की संख्या से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आईटी सीएमओ आशुतोष दुबे ने भी संक्रमण को रोकने के लिए एक टीम गठित की है जिसमें लगभग 1800 टीमें हैं, जिनमें एक टीम में 2 लोग हैं और ये जो है जो बाहर से आने वाले हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे जो वहाँ की जो वो है उनको जो है उनकी चेकिंग के लिए, उनको कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए घर घर जाके जागरूकता फैलाने के लिए, इसके लक्षण के बारे में बताने के लिए। और ऐसे में अगर उनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उनकी जांच की जाती है और वहां पे अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको जो है मेडिसिन पहुंचाने के लिए एक टीम गठित की गई है जिसके माध्यम से अमेठी कोरोना की संक्रमण दर को और कोरोना की जो होने वाली मौतें हैं इनको रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा एक एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। जी राजकुमार जायसवाल, अमेठी के अंदर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों को लेकर वहां किस तरह की स्थिति है? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू,
ये कितने हैं, क्या इनकी सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्था है, और साथ में जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, क्या उसको लेकर और भी तैयारियां की जा रही हैं? जी आपको बता दें कि अभी हाल में ही यहाँ पे जो है बीच में ये जानकारी मिली थी कि ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी और कहीं पे जो है रेगुलेटर की कमी पाई गई थी। डॉक्टरों के द्वारा पर्चा बाहर के लिए लिखा गया था कि रेगुलेटर लाया जाए, लेकिन इस समय जो है स्थिति नॉर्मल हो गई है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है जिला अस्पताल में, और बेडों की संख्या भी पर्याप्त है। ऐसे में L1 L2 हॉस्पिटल है वहाँ पे भी कोविड के जो भी वहाँ पे इंतजाम है उसके मरीजों के लिए वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। ऐसे में प्रशासन, अमेठी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि अमेठी जनपद में हम कोरोना के संक्रमण को पूरी तरीके से रोकेंगे। जी राजकुमार जयसवाल, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम समझने की कोशिश करें स्थिति, वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार जब जान चली जाती है किसी शख्स की तो जांच भी नहीं कराई जाती, ऐसे में वहां की क्या स्थिति है, और क्या जिन लोगों की मौत हो रही है क्या उसको लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ है वहां पर कि नहीं? देखिए मोहित जी, आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सच्चाई बताने चल रहा हूँ कि ग्रामीणों में जो मौतें होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं रहती हैं। ऐसे में कई मौतें ऐसी हैं जो कोविड संक्रमण के कारण हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन की नजर उस पर नहीं पहुंच पाती है, और जो उनका जो भी लिखित रहता है वही एक आंकड़ा दो आंकड़ा मौत का वही मिल पाता है। ऐसे में जो है ग्रामीणों में इस प्रकार से एक तरह से भय भी बना हुआ है अभी तक। लेकिन जो संक्रमण को रोकने के लिए अमेठी CMO आशुतोष दुबे के द्वारा टीम बनाई गई है वो कहीं ना कहीं अब प्रभावी ढंग से काम करने के लिए फील्ड में उतर रही है, जिससे कि ग्रामीणों में जो इसका भय बना हुआ है वो भय को रोका जा सके, और जो उनकी वास्तविक स्थिति है वहां पे कोविड की जो स्थिति है वर्तमान में कि कितने लोग पॉजिटिव है, कितनी मौत की संख्या है, ये सब जो है इनका आंकड़ा जुटाने के लिए एक प्रकार से एक टीम बनाई गई है, जिससे कि हम वास्तविकता से सरकार को भी एक तरह से उनको भी बता सके। जी राजकुमार जयसवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोग एक जगह बैठकर ताश खेलते नजर आते हैं, चर्चा करते नजर आते हैं, पंचायत करते नजर आते हैं, इस तरह के कई अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या उन्हें बताया जा रहा है कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, इसके बचाव क्या है, क्या गाँव के अंदर भी लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा लगातार टीमें गठित तो की गई, लेकिन ग्रामीण स्तर पर और जो धरातलीय स्तर है वहां पे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। हम अधिकतर देख रहे हैं कि गांवों में जो लोग हैं वो बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वैसे ही सुबह से शाम तक रोड पर निकलते रहते हैं, और ऐसे में अपनी दिनचर्या की जो काम है वो करते रहते हैं। यहाँ पे कोरोना का कोई भी भय नहीं है, लेकिन जब मौत हो जाती है और कहीं पे कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस केस में जो है उनमें एक तरह से भय देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन इस जानकारी को जो है कहीं ना कहीं वहां तक नहीं पहुंच पाती है और वो भी अनभिज्ञ रहते हैं। प्रशासन के द्वारा ग्रामीण स्तरों में ग्रामीणों में इस तरह से जागरूकता की कोई भी वो देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जयसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेठी की स्थिति है, वहां पर संक्रमण बढ़ तो रहा है लेकिन साथ में स्थिति स्तर है, लेकिन साथ में इसके साथ ही और भी व्यवस्थाएं जो लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ना सिर्फ अमेठी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर बहुत ही भयानक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से मतदान हुए थे ग्राम पंचायत के और उसके बाद से ही जो संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बढ़ती नजर आ रही है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में होती नजर नहीं आ रही है, यही वजह है कि वहां पर संक्रमित मरीज की जान भी चली जाती है और इस बात की भनक प्रशासन को नहीं लग पाती। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति लगभग ऐसी ही है। बहरहाल आपको बता दें कि हर रोज बीते 9 दिनों से 3 लाख से ज्यादा जो आंकड़े हैं कोरोना के वो हर रोज सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही मौत का जो सिलसिला है वो ग्राफ अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुंबई की हम बात करें, दिल्ली की हम बात करें, हम गुजरात की, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर फिलहाल सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है। लेकिन जैसे हरियाणा, पंजाब, इस तरह के जो राज्य हैं उनकी हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो वहां पर शुरुआती चरण में भी जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वहां पर सख्ती भी पहले के मुकाबले ज्यादा कर दी गई है।
अब अयोध्या का रुख करते हैं। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ में कोरोना को लेकर। गौरव, क्या अपडेट वहां से हैं? क्या आंकड़े पीते रोज सामने आए हैं? किस तरह की स्थिति देखने को मिली है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काफी अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो कोरोना के केस नए नए सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट पर है, लेकिन उसके बावजूद भी केस पर रोक लगाना नामुमकिन साबित हो रहा है। जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 10 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके तहत चाहे मंडी हो या मेडिकल स्टोर हो, तमाम प्रकार के रोस्टर बना करके दुकानों को खोलने के लिए जिला अधिकारी अरुण कुमार झा ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। मोहित, अब बिल्कुल एक बात और हम समझने की कोशिश करें गौरव मिश्रा की, जिस तरह की स्थिति अस्पतालों में है वहां से क्या अपडेट आपको मिल रहा है अस्पतालों को लेकर? क्योंकि पीते रोज भी हम जब आपसे बातचीत कर रहे थे अस्पतालों को लेकर स्थिति जानने की कोशिश की थी हमने, डॉक्टरों को लेकर डॉक्टरों में क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर जो है इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेड और ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति न होने के कारण मरीजों के परिजनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मोहित। और सबसे अहम बात है, जिस तरीके से लोग जो होम आइसोलेट हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती, लेकिन उनको भी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है मोहित। एक बात और हम समझने की कोशिश करें गौरव मिश्रा, जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए हैं तो उसके बाद से आंकड़े ना सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या की हम बात करें, वहां पर कैसी स्थिति है? वहां पर भी क्या यही है और क्या इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए मोहित, आपको बता दें, जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने के बाद जो लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उन्हीं का लेखा जोखा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण अंचलों में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिखा पढ़ी में नहीं होते, तो उसके मौत का आंकड़ा सीधा निकल के नहीं आ पाता। इससे कहीं ना कहीं अयोध्या धर्मनगरी की अगर हम बात करें तो जो लिखा पढ़ी का आंकड़ा है वो तो इस समय कम आ रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ऐसे में काफी लोगों की डेथ हो जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मौत का आंकड़ा पता नहीं चल पा रहा है मोहित, ये अहम बात है। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेस्टिंग का सिलसिला जारी है? क्या प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर टेस्टिंग की जा रही है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण अंचलों में जाकर टेस्टिंग का कार्य नहीं शुरू किया था, जैसे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि जो कोई पलायन करके अपने घर आ रहा है उसका कोविड का जांच और उसकी निगरानी रखी जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग को जो निर्देश दिए गए हैं वो कहाँ तक सही है और कोरोना को रोक पाने में कितना नाकाम साबित होंगे स्वास्थ्य विभाग वाले मोहित। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की स्थिति है? वैक्सीनेशन को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कितनी वैक्सीनेशन अब तक जो वहां पर लगाई जा चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या लोगों का जोश वैक्सीन को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से जिले से लेकर के तमाम हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग वैक्सीन लगाएं, और जिस तरीके से ये हो रहा है कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसकी भी लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस पर कुछ रोक लगा दी थी। जो कोरोना का आंकड़ा था 9,000 के ऊपर केसेस आएंगे उसी जिले को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो उसको लेकर के अभी अयोध्या में जो 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है, तो जिसको लेकर के वैक्सीन लगाने के लिए जो 45 साल के ऊपर है उनको लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो वहां पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का काम कराएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें मोहित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अयोध्या की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपके शहर आपके जिले की कैसी स्थिति है रुक करेंगे उसका, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी और दुखद तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह का निधन हो चुका है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। महामारी कोरोना से वो संक्रमित थे, दिल्ली के एक अस्पताल में उनका बीते कई दिनों से एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वो कोरोना से संक्रमित थे, उनकी स्थिति लगातार
गंभीर होती नजर आ रही थी और ऐसे में आज उनका निधन हो चुका है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है, इसमें तमाम कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल है, जिनका निधन हो चुका है। और आज इसी सूची में एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश का अजीत सिंह चौधरी एक बड़ा नाम है। चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक अहम किरदार निभाने वाले चौधरी अजीत सिंह आज उत्तर प्रदेश को, इस देश को छोड़कर के चले गए हैं। उनका निधन हो चुका है। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच आज उनका ये निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे, गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आपको ये भी बताते चले कि लगातार वो बीते कई दिनों से उनकी जो स्थिति थी वो गंभीर रूप धारण करती नजर आ रही थी। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके साथ ही उनकी स्थिति बेहतर होने के बजाय बिगड़ती चली गई और आज कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति का एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता था। आज भी न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो चौधरी अजीत सिंह को बहुत मान सम्मान के साथ देखा जाता है, उनकी राजनीति को देखा जाता है। चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और जैन चौधरी उनके जो पोते चौधरी चरण सिंह के, वो भी लगातार मैदान में सक्रिय है। लेकिन आज अजीत चौधरी का जो निधन हो गया है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चौधरी अजीत सिंह का जो निधन है वो आरएलडी पार्टी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तो फिर से रुख करते हैं कोरोना को लेकर जो स्थिति आपके शहर, आपके जिले, आपके प्रदेश में है, मथुरा का रुख करते हैं। रिंकू शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ, वहां की पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, मथुरा की क्या स्थिति है, कोरोना को लेकर वहां कैसे हालात हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है, एक बार विस्तार से बताएं। मुझे, मैं आपको बता दूं, मथुरा जनपद में इस समय कोरोना का कहर जबरदस्त देखने को मिल रहा है और प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया भी जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की है, क्योंकि मथुरा जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 3500 के पार हो चुकी है और करीब 150 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा गया है, उसको देखते हुए प्रशासन जगह जगह लोग चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका भी पालन कराया जा रहा है, जिससे जिस तरह पूरे देश में जो कोरोना महामारी जो की रफ्तार तेजी से चल रही है उसको देखते हुए प्रशासन और सरकारों के द्वारा अहम फैसले लिए जा रहे हैं। जी रिंकू शर्मा, साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करें कि वहां पर अस्पतालों की स्थिति कैसी है, वहां पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की व्यवस्था कैसी है। जी मैं आपको बता दूं, वहीं सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको देखते हुए मथुरा के जिला अधिकारी के द्वारा सभी हॉस्पिटलों को आदेश दिया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह प्लांट भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी में केवल एक ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। उसके लिए कल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा भी वहाँ जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। जी अक्सर लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि अस्पतालों में लापरवाही होती है, अगर बात करें हम मरीजों के साथ में बदसलूकी की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्या मथुरा में इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसी अगर हालात हैं तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह प्रशासन के द्वारा और हॉस्पिटल में जो खामियां मिल रही हैं उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद भी है और प्रशासन के द्वारा बार बार वहां का निरीक्षण भी किया जा रहा है, उसको देखते हुए सभी व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका पालन भी कराया जा रहा है। जी रिंकू, क्योंकि मथुरा एक धर्म नगरी है, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, मंदिरों में पहुंचते हैं भारी संख्या में, हर रोज वहां लोग मिलते थे, क्या स्थिति अभी है, लॉकडाउन है बावजूद इसके क्या लोग बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पर क्या पुलिस के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है मंदिर के बाहर। जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन के द्वारा सभी मंदिर के सेवकियां और प्रबंधकों को के साथ मीटिंग भी की गई है, उनको कहा गया है कि वो इस समय जिस तरह कोरोना महामारी की जो रफ्तार पूरे देश में चल रही है उसको देखते हुए वो मंदिर प्रशासनों के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी रोक लगाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस अपने पूरी तरह से पैर पसार चुका है। जी
और साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसी स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से पंचायत चुनाव के बाद कैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं कोरोना को लेकर। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह चुनाव आयोग के द्वारा जो 2021 का पंचायती चुनाव कराया गया है जिसमें लोगों की जांच भी कराई गई थी, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जिनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी जांच भी की गई है। क्योंकि जिस तरह जो पंचायती और जिला पंचायत चुनाव हुआ है उसको देखते हुए कहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्षेत्रों में ये कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से नहीं हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना है? जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही है कि वो दो गज की दूरी बनाए, मास्क लगाए, केवल यही एक कोरोना की बीमारी को रोकने का इलाज है। क्योंकि पूरे देश इस समय इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वो कोरोना महामारी से बचें और दो गज की दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। जी और रिंकू, अगर एक बात और हम समझने की कोशिश करें ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग नहीं हो रही है, मथुरा इलाके की हम बात करें, मथुरा जिले में क्या स्थिति है, क्या वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे मथुरा जनपद हो, सभी जगह जो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सब पे डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है, वहाँ लोगों को जागरूक किया, मगर इस समय लोग इसमें जागरूक नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोगों को ये आशंका जताई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगाने से कोई बीमारी पैदा, क्योंकि आए दिन वैक्सीन लगने से जो पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं और वैक्सीन लगने से बहुत कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है, लोगों की जांच की जा रही है, प्रदेश के अंदर भी जांच बढ़ा दी गई है, वहां पर भी सख्ती बढ़ाई गई है, क्या क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर है मथुरा पर, क्या वहां से अभी भी लोग आ रहे हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोई संक्रमित यहाँ आता है तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह राजस्थान बॉर्डर है उधर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, जिस तरह प्रशासन के द्वारा वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगाई गई हैं, वहाँ जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, अगर वो संक्रमित पाया जाता है तो उसे वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। जी और जो मजदूर पलायन करके आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या वहाँ पर ठहरने के लिए क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था की गई हो उनके रहने के लिए? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए वहाँ स्थायी जेल बनाई गई है, जो भी संक्रमित लोग मिलते हैं उनको 14 दिन के लिए वहाँ क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा अहम फैसला लिया गया है, मथुरा जनपद में कई जगह स्थायी जेल भी बनाई गई है। जी ग्रामीण क्षेत्रों की खासतौर पर हम बात करें तो वहां पर लोगों की तरफ से क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्या लोग जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन कर रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं, जो कोरोना वायरस लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है इस चीज को समझ पा रहे हैं, वो गंभीर है इस पर? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह कोरोना वायरस पूरे मथुरा जनपद सहित पूरे देश में फैला हुआ है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी इलाज भी नहीं है, और प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों में भी जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से जब निकले तो मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं, क्योंकि यह बीमारी पूरी तरह में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मथुरा की स्थिति आपने देखी, आपके शहर की तमाम स्थिति हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, दो गज की दूरी का पालन करें, निर्देशों का पालन करें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।